देश में पड़ी 35,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड रकम को लोगों तक पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी कोशिशें कर रहा है। इसके लिए आरबीआई ने 17 अगस्त को लोगों के क्लेम और अनक्लेम डिपॉजिट्स को एक ही जगह पर सर्च करने के लिए उद्गम यानी कि अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन पोर्टल को लॉन्च किया था। हालांकि इस पोर्टल के लॉन्च के समय 7 बैंकों को शामिल किया गया था, लेकिन अब 15 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से और ज्यादा बैंकों को इसमें शामिल किया जाएगा। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये बताया कि 30 बैंकों में अपने अनक्लेम और क्लेम डिपॉजिट्स सर्च करने की सुविधा 28 सितंबर 2023 को पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है, जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी कि DEA फंड में वैल्यू टर्म के लिहाज से अनक्लेम डिपॉजिट का 90% तक कवर करता है। आरबीआई ने बताया कि इस पोर्टल पर अब तक सभी बड़े सरकारी और निजी बैंकों के नाम शामिल हैं। इन 30 बैंकों में सरकारी बैंकों की बात करें तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नाम शामिल है। जबकि अगर सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बात करें तो सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और HSBC जैसे विदेशी बैंक शामिल हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक का नाम भी इस लिस्ट में आता है। आपको बता दें कि कई सालों से बैंकों के पास बहुत से ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिनका कोई भी वारिस नहीं है, ऐसे खाते हैं जिनमें कोई नॉमिनी नहीं है। ऐसे में अगर किसी को ये याद भी आ जाए कि उसके पैसे बैंक में पड़े हैं तो उन्हें निकालने के लिए भी पहले काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब आप उन्हें उद्गम पोर्टल पर जाकर आसानी से ढूंढ सकते हैं। वहीं अगर बात इसके आंकड़ों की करें तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल फरवरी 2023 तक करीब 35,000 करोड़ रुपए का अनक्लेम डिपॉजिट सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा RBI को ट्रांसफर किया गया था, जो कि 10 साल या उससे ज्यादा समय के संचालित नहीं थे। वहीं अगर बैंकों की बात करें तो सबसे ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट SBI में 8,086 करोड़ रुपए का है, जबकि इसके बाद PNB का नंबर आता है, उसमें 5,340 करोड़ रुपए, कैनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,904 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा खाता है जिसे 10 सालों से आपने ऑपरेट नहीं किया है या फिर उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो जाकर आप उस खाते को या तो एक्टिवेट कर लीजिए, और अगर उसमें आपके पैसे पड़े हैं और आपको जानना है कि वो कितने हैं तो आप उद्गम पोर्टल पर जाकर वो सर्च कर सकते हैं और फिर उसका प्रोसीजर आप बैंक में जाकर फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोज के लिए आपको हमें भी फॉलो करना है और हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।